नमस्ते, मैं डॉक्टर संपतराम रेगर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र सेकंड में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद में हुई। जर्मनी, इटली, जापान की धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्तियों का सामना करने में ब्रिटिश, अमेरिका, अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी। धुरी राष्ट्रों की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत दे रही थी। और अगर इस युद्ध में की धुरी राष्ट्रों के विजय होती तो निश्चित ही समस्त विश्व पर उसका वास्तविक प्रभाव पड़ता और संभवतः स्वाधीनता और प्रजातंत्र के पूंछे हुए आदर्शों को भारी आघात पहुंचता। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास की बात करें कि इसका उत्पत्ति या ये कैसे बना, इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से हम बता सकते हैं या जान सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधित्वों का एक सम्मेलन हुआ सबसे पहले, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर ध्रुवी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इन संगठन को संयुक्त राष्ट्र या यूं कहें यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये इस प्रकार से नाम दिया। 1 जून 1945 को आगे चल करके जब फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो उसके सदस्यों की संख्या 50 हो गई थी, बढ़ गई थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र यानी जो प्रस्तावना था उसमें 100 अनुच्छेद के साथ में ये तैयार हुआ। ये इसको आंतरिक रूप दिया गया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लैक्सेंसेस अमेरिका में जो है वहाँ हुई। आधिकारिक रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आ गया। तब इसका अधिकार पत्र की पुष्टि निम्न राष्ट्रों ने जैसे चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, इंग्लैंड, अमेरिका तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जून 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 हो चुकी है। अगर हम इसके स्थापना का संक्षिप्त विवरण का अध्ययन करें तो वो इस प्रकार है। मानव समाज के आचरण में युद्ध एवं शांति, विध्वंस तथा निर्माण के बीच साथ साथ निहित हैं। ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। नेपोलियनी युद्धों के बाद होली एलायंस एलायंस और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसके प्रमाण है कि अगर मानव का विकास होता है उसके साथ साथ शांति भी के प्रयास भी चलते हैं, विध्वंस भी होता है, वो सारी चीज़ें इसके साथ साथ चलती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना में वैसे ही भूमिका एक अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंक रूजवेल्ट ने की थी, जिसके सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा अन्य मित्र राष्ट्रों को इस बात में सहमत हुए थे कि विश्व संस्था के निर्माण की तैयारी युद्ध काल में ही शुरू हो गई थी। उस समय ही इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। रूजवेल्ट ने यह भी कहा था कि इससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने के लिए नैतिक समर्थन और का संबल प्राप्त होगा, यानी जो धुरी राष्ट्र हैं उनसे लड़ने का एक अच्छा प्रयास होगा, शक्ति मिलेगी। 24 अक्टूबर 1943 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड तथा सोवियत संघ की सरकारों ने अपने अपने विदेश मंत्रियों के साथ माध्यम से एक घोषणा पत्र की। इस घोषणा में ये कहा गया कि जितनी भी जल्दी हो सके अन्य राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करने की आवश्यकता महसूस की। वो ये जानते थे कि इस संगठन में शांति प्रिय कि संप्रभुता पर आधारित होगा। ऐसे सभी छोटे छोटे राज्य, छोटे बड़े राज्य इसके सदस्य बन सकेंगे। इसका उद्देश्य ये होगा कि
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का कायम बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के संबंध में आगे विचार करने के लिए ईरान की राजनीतिक तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति रूजवेल्ट और मार्शल स्टालिन प्रथम बार आपस में मिले। सब राष्ट्रों के सहयोग से विश्व शांति स्थापित करने की दोबारा यानी भावना को दोहराया गया कि इस प्रकार से विश्व शांति स्थापित होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं स्वतंत्र जीवन यापन कर सकेगा। इस प्रकार से अगर प्रयास सफल होंगे तो संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्र प्रतिनिधि का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि संयुक्त राष्ट्र राज्य क्षेत्र का केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि इसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी होना चाहिए। प्रस्तावित विश्व संगठनों के संदर्भ में सोवियत संघ का दृष्टिकोण ये भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी शक्तियों की प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए कि ये बड़े राष्ट्रों की शक्ति क्या है और इसकी इनकी भूमिका किस प्रकार से सकारात्मक हो सकती है। सोवियत संघ का विचार ये भी था कि वाद विवाद करने वाले सभाएं छोटे राष्ट्रों को भी समान अधिकार इसमें दिया जा सकता है। उसके इस बात पर जोर दिया गया कि शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बड़ी शक्तियों को एकमत होना अति आवश्यक है, तभी आगे ये काम चल सकता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निर्णय लिया गया। डम्बार्टन ऑक्स प्रस्ताव में महासभा और सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली तो सहमत हो गई, परंतु सुरक्षा परिषद के मतदान प्रणाली के संबंध में सोवियत संघ एवं पश्चिमी शक्तियों के मध्य भी मतभेद बने रहे। इस प्रकार के मतभेद चलते रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय सोवियत संघ के प्रदेश क्रीमिया के याल्टा नगर में किए गए। 4 फरवरी 1944 को स्टालिन, चर्चिल तथा रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन याल्टा में प्रारंभ हुआ। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय याल्टा सम्मेलन में ही संभव हो सका। अमेरिका ने 5 मार्च 1945 को सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा चीनी गणतंत्र की ओर से याल्टा सम्मेलन में निर्णय के अनुसार 51 राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जा सकता है। और चार्टर के अनुच्छेद 110 में ये कहा गया कि सोवियत संघ फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य तथा शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों को स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत चार्टर को लागू किया जाएगा। इस प्रकार से ये निर्णय लिया गया। 24 अक्टूबर 1945 तक ये शर्त संपन्न हो गई और इस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य 4 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है संयुक्त सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रमण प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण रखना। दूसरा जो उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय एवं उपनिवेश विघटन की प्रक्रिया को गति देना। इसके साथ चौथा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन एवं पुष्टि करना। संघ के अन्य उद्देश्यों के जुड़े हुए 2 अन्य लक्ष्य भी निहित किए गए हैं, वे निःशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की भी स्थापना इसमें की गई। अगला, अगर हम बात करें इसके सिद्धांत की, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में इसके निम्नलिखित प्रकार के मौलिक सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है इसका प्रधान आधार छोटे बड़े सब देशों की सामान्य और सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, सब सदस्यों को यह आशा रखी जाती है कि वे चार्टर के द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी के साथ कर सकेंगे। तीसरा सिद्धांत है, सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा जो सिद्धांत है, वो सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। वे किसी भी देश की स्वतंत्रता का हनन करने की या आक्रमण करने
करने की न तो धमकी देंगे और न ही ऐसा कार्य करेंगे। अगला सिद्धांत है, कोई भी देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देशों की सहायता नहीं करेगा। अगर चार्टर के अनुकूल कर प्रतिकूल करते हैं तो उनकी सहायता नहीं करेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद सुरक्षा बनाए रखने की का करने वाला सिद्धांत का पालन कराएंगे। और लास्ट में, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धन्यवाद।